मैं तो कोई मौका नहीं जानने दूंगा कि मैं ड्रिल करूंगा इनकी पब्लिक के दिमाग में। ये वो लोग हैं जिन्होंने इज्जतें अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर अवेल की हैं और कुरान और सुन्नत के नाम से चिढ़ते हैं, कहते हैं हमें ना लिख के भेजा करो, हम तो एक पढ़ के रिमूव कर देते हैं हम 1500 साल बाद। अब तुम लोग बताओगे हमें, हम अपने बुजुर्गों का दीन छोड़ दें। अच्छा इन्होंने पता है कि कुरान दी जड़े पढ़ जाना इन्होंने बाबे को फारो हो जाता है, इन्होंने पता है जिनकी सबसे बड़ी मिसाल मैम 2002 में उम्रे पे गया गलाफे काबा पकड़ के दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे बरेलवी मारना, शुक्र है कबूल नहीं हुई। मनु कहना चाहिए अल्लाह मैंने मुसलमान मारी। अगर आप मुखलिस है ना सरकार, आप हदायत के मुखालिफ रास्ते पे भी चल पड़े ना इखलास के साथ, अल्लाह ताला कान से पकड़ के आपको सीधे रास्ते पे चला देगा। और अगर आप बेईमानी पे उतरे में सरकार, तो आप रसूलुल्लाह के चचा भी हो ना अबू लहब हाशमी भी हो, तो मर जाएंगे आराम मौत, और कुरान में क़यामत तक बद्दुआएं पड़ी जाएंगी उन पर, तब्बत यदा अबी लहब मतब। नस्बत भी उसी वक्त काम आती है जब आप नबियों की आवाज के ऊपर लब्बाई कहते हैं, صلوا على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامه محمد اجمعين الى يوم الدين امين।